और आईपीएल की जो हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा ना इन युवा खिलाड़ियों के दिमाग में आईपीएल भी घूमने लग गया होगा, क्योंकि रिटेंशन की जो डेट, जो रिटेंशन को आपका ऐलान करना है उसकी जो डेडलाइन है वो भी निकल कर सामने आने वाली है, वो खत्म होने वाली है 31 अक्टूबर। यहाँ पे डेडलाइन है। सीएसके के फैंस के मन में ये धुक-धुक है कि धोनी खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन एक डील ने कहीं ना कहीं बाकी सभी टीमों की जो टेंशन है वो बढ़ा दी, वो डील है हेनरिक क्लासन की। अभी कुछ दिन पहले कुछ खबरें निकल के आती है सूत्रों के हवाले से, रिपोर्ट्स के अनुसार कि एसआरएच प्लान कर रहा है कि हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ रुपए में रोका जाएगा टीम में। 18 करोड़ का पहला रिटेंशन है, उसके ऊपर से वो 5 करोड़ और देंगे जो पर्स में से ही कटेंगे। पहले की तरह नहीं कि भाई ऊपर से दे दिया अलग से दे दिया, इस बार पर्स में से ही कटेंगे। अब वो डील होगी या नहीं होगी वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन उस डील की वजह से जो बाकी सभी जो टीमों की डील चल रही थी अपने खिलाड़ियों के साथ रिटेंशन को लेके, वो डील खराब होने लगी है। इसका हालिया अगर हम देखें एग्जांपल है ऋषभ पंत। खबर निकल के आई कि भाई डीसी उनको 18 करोड़ में रिटेन करना चाहती थी, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उन्होंने अपना डिस्प्लेजर यहाँ पे बताया, उन्होंने कि भाई मुझे थोड़ा और पैसे चाहिए, थोड़ा और अमाउंट यहाँ पे चाहिए। तो कहीं ना कहीं अब हर खिलाड़ी ये सोचने लगा है कि जब हेनरिक क्लासन को 23 करोड़ मिल सकते हैं तो क्या मैं डिजर्व नहीं करता 18 करोड़ से ज्यादा? इसमें ऋषभ पंत हो गए, हार्दिक पांड्या हो गए, तो मैं उनके लेवल की रोहित और विराट को क्या मांगना चाहिए फिर? मैं कभी कभी सोचता हूँ, क्योंकि रोहित विराट को पिछली बार मेगा ऑक्शन में 15 करोड़ रुपए, आपका 15 करोड़ था आई थिंक वो एक मैक्सिमम पर्स था, उसके ऊपर से 1 करोड़ एक्स्ट्रा दिए थे रोहित को और 2 करोड़ एक्स्ट्रा दिए थे आरसीबी ने विराट कोहली को। लेकिन फिर रोहित और विराट और टीम्स की इतनी टेंशन बढ़ गई है कि अब हर खिलाड़ी उनसे ज्यादा पैसे मांग रहा है। ऐसे तो जसप्रीत बुमराह को 40 करोड़ मांग लेने चाहिए फिर, तो एमआई फिर घट जाए कुछ भी, मतलब जो मांगने की बात है तो एग्जैक्टली बुमराह 40 करोड़ का गेंदबाज बन सकता है? जो आपने एक एक लिमिट सेट कर दी जिस हिसाब से, तो ऑब्वियसली बाकी सारी टीमों के बीच में भी आएगी, एक डील हो जाती है तो फिर बाकी सारे प्लेयर्स भी सोचते हैं कि हमें क्यों नहीं 18 करोड़ से ज्यादा मिल सकते। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा सिनेरियो बैठा है, मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बाकी टीमों की मुश्किल भी बढ़ रही है, और सनराइजर्स हैदराबाद को भी सोचना चाहिए था मेरे हिसाब से, अगर वो ऐसी कोई डील कर रहे हैं इससे पहले तो, कि 18 ठीक है हेनरिक क्लासन बड़ा प्लेयर है लेकिन ऐसा नहीं है। क्या आपको लगता है कि हेनरिक क्लासन की वैल्यू वो 20 करोड़ 23 करोड़ ऐसी वैल्यू है? मेरे को तो 18 करोड़ की वैल्यू नहीं लगती, तो फिर 10 से 12 करोड़ इज टू मच फॉर हिम। तो सनराइजर्स हैदराबाद को भी तो ये चीज सोचनी चाहिए ना। तो मतलब काव्या मरान तो वैसे फेमस है इस चीज के लिए, क्योंकि वो एक प्लेयर जिसको जिनको अपनी टीम में इंक्लूड करना चाहती हैं, उनके लिए तो फिर उनका जो पैडल होता है, क्या बोलते हैं, वो पैडल ही होता है, वो खड़ा ही रहता है, खड़ा रहता सीधा ऐसे बिल्कुल। तो वो चाहते हैं कि ये प्लेयर, तो जैसा कि उन्होंने किया पैट कमिंस के लिए, उन्होंने ये चीज की, तो वो चीज हमें दिखाई देती है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से सोचना चाहिए थोड़ी बहुत चीजों को और इस तरीके से। हाँ, लेकिन बाकी टीम्स, मुझे लग रहा है ऐसा कि अगर एक डील आ जाती है तो बाकी टीम्स भी उस बारे में सोचने लग जाती है और खिलाड़ी भी सोचने लग जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा, उसके बारे में भी लगातार सारी अपडेट्स हम आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे यहाँ पे।